दोस्तों मेरे सामने ये एक स्प्लेंडर बाइक है, स्प्लेंडर प्लस है। और इसमें क्या है कि इसकी लाइट में, इसकी वायरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। आप देख रहे हैं मैंने आगे से भी इसको ओपन कर रखा है, इसके साइड पैनल भी, और यहाँ पे सारी चीज़ों को पूरी तरीके से ओपन किया है। जबकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यानी कि हॉर्न, और हम जब पिछला ब्रेक और अगला ब्रेक ले रहे हैं तो हमारी गाड़ी की हेडलाइट तेज़ हो रही है, और जब ब्रेक को छोड़ रहे हैं तो यानी कि हेडलाइट डाउन हो जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको दिखाऊंगा आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों सबसे पहले हम बाइक स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे आखिर किस तरीके से ये बाइक प्रॉब्लम दिखा रही है, फिर उसके बाद इसमें प्रॉब्लम का सलूशन दिखाएंगे। जबकि दोस्तों मैंने अगर बात की जाए तो इसके सारे ब्रेक स्विच हटा के भी देखे, डायरेक्ट भी करके देखे, फिर भी दोस्तों कहीं से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। आखिर कहाँ पर प्रॉब्लम निकली वो हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, चलिए किक लगाइएगा ज़रा और अभी आपको दिखाते हैं। मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया है, आप देख रहे हैं लाइट जल रही है। चलिए हॉर्न बजाइए ज़रा, आप देख रहे हैं हॉर्न दबाने पे। दोस्तों इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, एक बार हॉर्न और दबाइए। चलिए रुक जाइए, गाड़ी को बंद करिए। तो दोस्तों मैंने इसमें सारी चीज़ों को खोला, काफ़ी ज़्यादा हम परेशान हुए क्योंकि दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आती है, पीछे बैक लाइट के सुच से आती है, कोई वायर आपस में शॉर्ट होता है या फिर कोई ब्रेक स्विच यानी कि डायरेक्ट हो जाता है तब भी प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। चलिए मैं आपको पीछे इसकी बैक साइड लेकर चलता हूँ और आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ आखिर कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों ये रहा इसका RR यूनिट चार्जर, यही प्रॉब्लम कर रहा है पूरी तरीके से। ये हीट भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो गया है। और दोस्तों ये चार्जर जो है ना, इसके अंदर रेक्टिफायर होते हैं दोस्तों लगा हुए। क्या होता है ये सप्लाई जब यानी कि देते हैं, मतलब देने के बाद, लेकिन क्या होता है कभी कभी इनके रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये चार्जिंग यानी कि जो करंट होता है दोस्तों रेक्टिफायर इसके शॉर्ट करने लगते हैं। तो सिर्फ क्या है, चार्जर से प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इसके चार्जर को निकालेंगे और अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों इसमें आखिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इस चार्जर को हटा देते हैं और मेरे पास एक दूसरा चार्जर है, इसको लगाऊंगा और अभी आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों आखिर इस चार्जर से ही प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में। इसके कपलर को लगाइएगा और अभी हम बाइक स्टार्ट करके आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों आखिर कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। इसको लगा दिया, बाइक को स्टार्ट कर लेंगे। चलिए ज़रा हॉर्न बजाइए। तो आप देख रहे हैं किसी भी तरीके से वोल्टेज अब एकदम अच्छे से, तो देख रहे हैं अब किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चाहे ब्रेक स्विच लगाए हम। चलिए दबाइए। तो क्या था दोस्तों, चलिए गाड़ी को बंद करते हैं। तो कभी कभी दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, सोचा इसका बैक लाइट का बल्ब खराब होगा या सोच कोई वायर शॉर्ट होता होगा, लेकिन जी नहीं दोस्तों ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिली। तो क्या था दोस्तों, इसका पूरी तरीके से चार्जर RR यूनिट शॉर्ट हो चुका और ये ख़राब हो गया है। इसीलिए हमारे कस्टमर भाई को बैटरी चार्जिंग में भी दिक्कत आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान आ लिए थे, कई बार बैटरी बदलवा चुके थे। जबकि बैटरी बदलवाते थे बार बार तो हमारे मैकेनिक भाई बैटरी को बदल देते हैं लेकिन उसकी चार्जिंग को चेक नहीं करते हैं। दोस्तों जब इस तरीके से हमने समझा तो इसमें चार्जर की प्रॉब्लम देखने को मिली। तो दोस्तों इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ इसका RR यूनिट ख़राब था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जबकि हमने काफ़ी इसमें कोशिश की, वायरिंग को चेक किया, फिर भी कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिला। तो हम चाहेंगे दोस्तों फॉल्ट कई तरीके से और कई तरीके से बन जाते हैं इसमें, मशीनरी को कुछ कह नहीं जा सकता। तो दोस्तों मैं चाहूँगा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।